प्रणाम, नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका हार्दिक नमन करता हूँ मैं आपको। आज एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित। आज का विषय है मेरा कि ईश्वर है, भगवान है या नहीं। क्या आपने ईश्वर या भगवान को देखा है? देखा नहीं तो कभी महसूस तो किया होगा, या महसूस किया है, या जीवन में मैंने ईश्वर को देखा भी है और महसूस भी किया है। कैसे? मैं पहले तो अपने को धन्य मानता हूँ और बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ईश्वर का भरपूर सानिध्य मिला है। और वो था देवभूमि में मेरा जन्म लेना। देवभूमि में जन्म पाकर दूसरा यह बात कि मैंने यहीं नौकरी कर अपने जीवन के कई साल गुजारे। ऐसे विभाग में जिसने भौतिकवाद का चोला छुड़वा दिया और अध्यात्म का संसार में कदम रखने का एक बेहतरीन मौका मुझे दिया। और वो सबसे बड़ा कदम था, एक तो चार धाम की यात्राएं, देवी देवताओं के मंदिर, और उससे बड़ा कदम था केदार का सानिध्य, और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि अंतिम सांस तक अगर मेरे मन में भगवान बसे रहें तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मेरा जीवन का अनुभव यही है कि अगर भगवान को पाना है तो गृहस्थ में रहकर वैराग्यपन का भाव लाना ही होगा। नहीं तो आप देख ही रहे हैं, वो समय था और आज का समय है। पारिवारिक संस्कारों का ह्रास एक विडंबना हो गई है। भौतिकवाद अपने चरम पर आ गया है। आपने भगवान नाम तो सुना है, ईश्वर का नाम भी सुना है, लेकिन भगवान है क्या? बस भगवान भगवान है, जो भग का वैसे वास्तविक अर्थ होता है स्वामी या संरक्षक, या यूं कह लीजिए कि प्रभु संरक्षण और सौभाग्यदायक। कुछ विद्वान इसको धन या समृद्धि से भी जोड़ते हैं कि शरीर की समृद्धि करते हो या भौतिकवाद वाली समृद्धि। ऋग्वेद में भग शब्द को मनुष्य और देवता दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया गया। भग शब्द का भाग्य से जोड़ें
तो भाग्यवान ही होता है। भाव से भगवान, भाव से भक्ति, भाव से भाग्यवान, भाव से भजन भगवान की माया है। माया एक भ्रम शब्द है, माया अर्थात शक्ति भी है। दूसरा, जो सुखी देखने वाले भाव रखे, दूसरों पर अच्छा भाव रखे, सबकी सुख समृद्धि की कामना करे, वही तो भगवान है। दुख में हो, सुख में हो, जुबान पर भगवान का नाम, ईश्वर का नाम आ ही जाता है। कभी सुख मिलता है तो भगवान का शुक्रिया होता है, कभी दुख होता है तो सर पकड़ के बोलते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया है। आदमी पिछले कर्मों का हिसाब इस कर्म में पाता है और इस जन्म के कर्म अब अगले जन्म में वो फल पाएगा। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भाव से भक्ति, गा से गगन या ज्ञान, वा से वास है या वायु है, ना से नीर है या फिर नित्य है। इसी शब्दों को मैं जीवन जीने की कला, जीवन जीने का आधार और अ से अग्नि, जिसको जिसकी शक्ति से हम आपके सामने, जिस शक्ति से मैं बोल रहा हूँ वो है अग्नि। क्योंकि ऋग्वेद में पहला मंत्र, पहला अक्षर अग्नि से ही शुरू होता है। 99% ऋषि महर्षियों ने गृहस्थ जीवन का पालन किया और महान सिद्धियां पाई, वेद पुराण ग्रंथों को विस्तार दिया। इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करना बहुत ही कठिन है। गृहस्थ में ही भगवान के गुणों का गान भी गृहस्थ में ही होता है। भगवान के अर्थ में 6 गुण आते हैं, वो अगर इंसान में हो, भगवान में तो है ही। वो गुण हैं ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान और त्याग, यानि वैराग्यपन की दिशा में आगे बढ़ने की कामना होती है। भगवान तो गुणवाचक शब्द है, जिसे ध्यान करने मन हमेशा करता है, जो हमेशा सेवा में लगा रहता है और कल्याण और दया की भावना से पंच तत्वों को दूषित न होने दे और स्वच्छता रखे, वही भगवान के गुण हैं। चाहे मनुष्य हो या देवता, सृष्टि की उत्पत्ति ही जल यानी कि नीर से मानी गई, ऐसा तो विज्ञान भी कहता है और अध्यात्म भी कहता है कि सृष्टि का प्रथम जीव जो थी वो फिश यानी कि मछली थी, यानी मत्स्य अवतार था, ऐसा धर्म ग्रंथ भी हमारे कहते हैं। गीता के प्रसंगों में भी, गीता के संदेशों में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे मानव, अपने मन को काबू कर और काबू कर अपने अंतर मन में झांक कर केवल अपनी आत्मा को देखें, अपनी आत्मा को देखें, समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों से मेरी भावना रख, इसे इस अविनाशी शरीर और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर,
इसके बाद ही उस आत्मा के अंदर उसे पराशक्ति परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यही तो परम भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का परम साक्षात्कार है। आखिर में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक अनुरोध, मेरे द्वारा 450 वीडियो बना चुका हूँ मैं आज तक, और मात्र मेरे 578 सब्सक्राइब हुए हैं। मेरे जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो भगवान की भावना से उत्प्रेरक हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं और मुझे खूब सारा प्यार दें। और इसके साथ ही मैं ईश्वर और भगवान के दो अलग यानी कि दो रूप, ईश्वर तो निराकार हैं और भगवान का रूप साकार है, क्योंकि ईश्वर आद्य शक्ति व शिव शक्ति की अभिव्यक्ति जो उजागर का प्रतीक है। सनातनी परंपरा में आप जैसे आपने देखा है कि रामचरितमानस या रामायण जो हमने बचपन में देखी थी, रामलीला के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संस्कार हमारे पास हैं। और आशा करता हूँ आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और हमेशा स्वस्थ रहें।